हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ 12th नाइट एक्ट 1 सीन 4 स्टार्ट करूंगी। मैंने एक्ट 1 सीन 1 2 एंड 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसको सुन सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं उसे हमेशा पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। और ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको साइड बाय साइड में सब स्टार्ट करूँ, बट एक साथ स्टार्ट करना इट्स नॉट दैट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो। मैं इतने दिन नहीं वीडियोज़ बना पाई, अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो इसीलिए मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट टू ऑल माई व्यूअर्स एंड अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ लेट्स बिगिन 12th नाइट एक्ट 1 सीन 4। सीन 4 ड्यूक ऑर्सिनोस पैलेस, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो को पैलेस है। एंटर वैलेंटाइन एंड वायला इन मैन अटायर, वो लोग दोनों जो है वो मर्दों के कपड़े में, मतलब वैलेंटाइन तो मर्द ही है, वायला जो है इन मैन अटायर। वायला एक्चुअली में सिजेरियो बन के यहाँ पे आई है, वो ड्यूक ऑर्सिनो की यहाँ पे काम कर रही है। ओके वैलेंटाइन, अब वैलेंटाइन उसको कहते हैं, इफ द ड्यूक कंटिन्यूज दीज फेवर्स टूवर्ड्स यू सिजेरियो, यू आर लाइक टू बी मच एडवांस्ड। अब यहाँ पे वो उनको शक हो रहा है, एक्चुअली वो थोड़ा जलेस भी हो रहे हैं कि इतना जल्दी ये इतना ज्यादा कैसे क्लोज आ गई है सिजेरियो, मतलब आई मीन वायला, वो जानते हैं कि वो वायला है, तो इतना जल्दी वो कैसे क्लोज आ गई ड्यूक और सिनो के, तो इसलिए वो कह रहे हैं इफ द ड्यूक कंटिन्यूज दीज फेवर्स, मतलब ड्यूक उनके लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गए और हर छोटा फेवर उनके लिए कर रहा है। तो वही वो चीज़ वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ड्यूक इसी तरह आपको फेवर्स करते रहेंगे सिजेरियो, यू आर लाइक टू बी मच एडवांस, एडवांस इन द सेंस कि क्विकली इन द हाउस होल्ड, मतलब यू विल एडवांस योर पोजिशन इन द हाउस होल्ड, मतलब आपका जो पोजिशन है, तुम्हारा जो पोजिशन है वो और ऊंचा हो जाएगा। ही हैड नोन यू बट 3 days, वो आपको सिर्फ 3 दिन से ही जानते हैं, एंड ऑलरेडी यू आर नो स्ट्रेंजर, और तुम इतना ज्यादा क्लोज हो गई हो कि लग ही नहीं रहा कि तुम उसको सिर्फ 3 दिन से तुमको जान रहे हो, तुम इतना ज्यादा क्लोज हो गई हो। ओके अब वायला यहाँ पे कहती है, एज सिजेरियो यू ईदर फियर हिज ह्यूमर, या तो मुझे लगता, अब वायला को ये सब शक होता है, वो कहते हैं या तो आप उनके ह्यूमर यानी उनके मूडनेस से आपको डर लग रहा है, और माई नेग्लिजेंस या मेरे कुछ फॉल्ट्स है, दैट यू कॉल इन क्वेश्चन, इसीलिए आपको शक हो रहा है ना, द कंटिन्यूएंस ऑफ हिज लव, कि वो मुझसे आगे ऐसे ही और प्यार करेंगे कि नहीं, वो फिर सवाल करती है, इज ही इनकंसिस्टेंट, क्या वो इनकंसिस्टेंट है, क्या वो फिक्स नहीं है सर इन हिज फेवर्स, क्या वो अपने फेवर्स में फिक्स नहीं है, वो एक सवाल पूछती है। तो वैलेंटाइन, नो बिलीव मी नो ऐसा नहीं है। तब वायला, आई थैंक यू, तो कहती है थैंक यू, नाउ हियर कम्स द काउंट, अब वो आते हैं, एंटर ड्यूक ऑर्सिनो क्यूरियो एंड अटेंडेंट, उनके साथ आते हैं। ड्यूक ऑर्सिनो कहते हु सॉ सिजेरियो, वो आके पूछते किसने देखा है सिजेरियो को, तो वायला कहती है ऑन योर अटेंडेंस माय लॉर्ड, वो सामने आती है, कहती मैं हूं सामने माय लॉर्ड हियर, तब ड्यूक ऑर्सिनो कहते हैं स्टैंड यू अर वाइल अलूफ, अटेंडेंस को कहते हैं तुम लोग जाओ साइड में जाओ, सिजेरियो को कहते हैं थाउ नाउ नोस्ट नो लेस बट ऑल, तुमको कुछ कम नहीं पता है, तुमको सब कुछ पता है, आई हैव अनक्लैप्स्ड, अनक्लैप्स का मतलब होता है ओपन, ओपन टू दी द बुक इवन ऑफ माई सीक्रेट सोल, मतलब मैंने अपना लाइफ जो है, मेरा किताब जो है, मैंने पूरा खोल के रखा है तुम्हारे सामने, सिर्फ कितने दिन में, सिर्फ 3 दिन में। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी वायला अपने, मतलब कितनी जल्दी वो इतना ज्यादा फेवरेट हो गई है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर हर। माई सीक्रेट सोल, मतलब मैंने कोई भी राज नहीं रखा है तुम्हारे सामने, सब कुछ तुम्हारे सामने खोल के रखा है। Therefore, good youth, address thy gate unto her. Address thy gate, मतलब direct your steps, मतलब अपने कदम बढ़ाओ। Be not denied access, मतलब लेट मत करो। Stand at her door, मतलब उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहो। किसकी यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे ओलिविया के घर के बारे में बात हो रही है। ओके एंड टेल देम देयर thy fixed फूड शैल ग्रो, मतलब जाके बताओ कि तुम्हारी जो फिक्स फूड शैल ग्रो, मतलब तुम वहां पे जाके इतना तुम उनका वेट करो कि तुम एक प्लांट्स को खड़ा कर दो, अगर
ओलिविया तुम्हारे सामने नहीं आती तुमसे बात करने के लिए, तुम ये बात जाके कहो उनसे कि अगर वो मेरे सामने नहीं आएंगी तो मैं हमेशा यहीं खड़ा रहूंगा, और मतलब इन द सेंस कि मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, मतलब एक प्लांट को मैं बड़ा कर दूंगा। उनका ये कहने का मतलब होता है टिल दाउ हैव ऑडियंस, मतलब जब तक वो तुम्हारे सामने नहीं आ जाती। एंड और सबको पता है कि एक प्लांट एक दिन में तो नहीं बड़ा होता है, तो यानी कि वो तुम इतना लंबा अरसे तक उसके सामने वेट करो, उसके बाहर, उसके घर के बाहर में। वायोला शो माई नोबल लॉर्ड इफ शी बी सो अबैंडन टू हर सोरो, मतलब जैसे उनको सुनने में आया, इफ शी इज रियली एज ब्रोकन हार्टेड एज दे से, एज इट स्पोक मतलब जैसा हमने सुना है, she never will admit me, she is sure to deny me an audience, मतलब वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगी, मुझे ये चीज़ पता है, क्योंकि वो उन्होंने कसम खाई है 7 साल वो किसी को नहीं अपना चेहरा दिखाएंगी, ना किसी से मिलेंगी, तो अगर ये बात सच है तो फिर वो मुझसे कैसे मिलेंगी। तब ड्यूक ऑर्सिनो कहते हैं बी क्लैमरस एंड लीव ऑल सिविल बाउंड्स, मतलब बी लाउड एंड अनप्लीजेंट, क्लैमरस का मतलब होता है बी लाउड एंड अनप्लीजेंट, मतलब ऐसा कुछ करो जिससे लोग तुम्हारे पर नाखुश हो जाए, और गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी, या एकदम ही सीधे हो जाओ, मतलब ऐसा बन जाओ कि मतलब तुमको लोग मतलब डिनाई करने से पहले सोचे, इतना तुम सीधे हो जाओ वहां जाके, ठीक है। रादर देन मेक अनप्रॉफिटेड रिटर्न, पर वापस मत आना, इन द सेंस कि तुम उससे मिले बिना, उसके मेरे मैसेज पहुंचाए बिना वापस मत आना, कुछ भी करो, डू वट एवर यू कैन डू, इन द सेंस मतलब ही वॉन्ट्स टू से इन द सेंस कि डू वट एवर यू कैन डू, जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, जो भी तुम करो, या बहुत सीधे हो जाओ या बहुत बदमाश हो जाओ, पर उससे मिल के जरूर आना। तब वायला कहती है सी आई डू स्पीक विथ हर माई लॉर्ड वट देन, अच्छा ठीक है, चलो मान लिया जाए कि मैं उनसे बात कर ली, मैं उनसे मिल ली, तो उसके बाद क्या होगा, वट देन आफ्टर दैट वॉट। तब ड्यूक ऑर्सिनो कहते ओ देन अनफोल्ड द पैशन ऑफ माई लव, तब जाके बताओ, मैं डिस्क्राइब करो मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ उससे, सरप्राइज हर विद डिस्कोर्स ऑफ माई डियर फेथ, उसको जाके मतलब उसको ऐसा सा मिसाल दो मेरे बारे में कि वो खुद शॉक्ड हो जाए मेरा फेथफुलनेस को देखकर, मतलब मैं कितना फेथफुल हूँ। इट शैल बिकम दी वेल टू एक्ट माई वोज, तुम सही हो, तुम ही सही से मेरा फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हो उसको। She will attain it better in thy youth, क्योंकि तुम उसको अच्छे से समझा सकते हो, as a in thy youth मतलब as a young man, than in a nuances of more grave aspect, मैं किसी serious इंसान से ज़्यादा मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ कि तुम मेरी feelings को, मेरे हर चीज़ को तुम बहुत अच्छे से describe कर सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे इन 3 दिनों में बहुत अच्छे से समझ लिया, जितना मुझे अभी तक किसी ने वैसा नहीं समझा, तो I am sure कि तुम बहुत अच्छे से इनको वो मेरी बातें जो है, जो मैं कहता जिस पैशन से, तुम उसी पैशन से उसको जाके जरूर समझा सकते हो। तब वायला कहती आई थिंक नॉट सो माई लॉर्ड, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती। तब ड्यूक ऑर्सिनो कहते हैं डियर लैड मतलब डियर बॉय बिलीव इट फॉर दे शैल येट बेली दाई हैप्पी ईयर्स, वो कहते हैं बिलीव मी एनीवन हु सेज दैट यू आर अ मैन इज डिनाइंग यू द हैप्पी ईयर्स ऑफ योर यूथ, अगर कोई कहता है ना कि तुम एक मैन हो, मर्द हो, तो वो तुम्हारे अच्छे वक्त को डिनाई कर रहा है, इन द सेंस कि तुम्हारा जो मतलब इन द सेंस बिहेवियर है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेमिनाइन नेचर से मिलता है, इन शॉर्ट वो कह रहे दैट से द वॉट मैन डाइनर्स लिप, डाइना को जो लिप है ना उससे भी ज्यादा इज नॉट मोर सूद, इतना भी ज्यादा स्मूथ नहीं जितना तुम्हारा है, एंड रूबियस और तुम्हारा जो चीक है रेड रेड चीक्स वो डाइना से भी ज्यादा है, दाई स्मॉल पाइप मतलब तुम्हारा जो वॉइस है इज एज मेडन्स ऑर्गन, मतलब एक जवान लड़की की जैसा तुम्हारा आवाज है, श्रिल एंड साउंड मतलब हाई एंड क्लियर, एंड ऑल इज सिमिलर विद टिम अ वुमेन्स पार्ट, मतलब तुम्हारे जो नेचर है वो बहुत फेमिनाइन से मिलता है, फेमिनाइन क्वालिटी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है, अ वुमेन्स पार्ट, आई नो दाई कॉन्स्टलेशन, दाई कॉन्स्टल यू आर प्री डिस्टाइन, मतलब तुम्हें ही बनाया गया है, is right up for this affair, tumhe hi banaya gaya, you are predestined to do this, some 4 or 5 attempt hain, to apne baki usko kehte hain ki attendance ko jao, tum log 4 ya 5 uske sath jao, all if you will, agar tum log sab jana chahte ho to jao uske sath, for I myself am best when least in company, mujhe zyada acha tabhi lagta hai jab main kam logon ke sath hota hu, prosper well in this
एंड दाउ शैड लिव एज फ्रीली एज दाई लॉर्ड. तुम अगर इस काम को अच्छे से अंजाम दोगे, सिज़ेरियो वो कहते हैं, यू शैड लिव एज फ्रीली एज दाई लॉर्ड एंड टू कॉल हिज फॉर्च्यून्स दाइन. और मेरे जो सब कुछ है, जो मतलब मेरा सब कुछ, वो तुम्हारा उसमें भी शेयर होगा, मतलब तुम भी उसके हिस्सेदार होंगे. तब वायला कहती है, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी. मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं आपकी लेडी को मतलब मैं उनको इम्प्रेस कर सकूँ आपके लिए. और वो असाइड वो खुद से कहती हैं, येट अ बाफुल स्ट्राइफ. कहती हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वुड आई वू माई सेल्फ एंड वुड बी हिज वाइफ. तो वो कहती हैं कि आई मस्ट गो कोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मैन आई वॉन्ट टू मैरी माई सेल्फ. मतलब मैं उस इंसान के लिए जाऊँ बिहाफ में जिससे मैं खुद शादी करना चाहती हूँ, और मैं उसके लिए किसी और लड़की को इम्प्रेस करूँ. मतलब कैसे कश्मकश में मैं आ गई हूँ, वो खुद से कह रही है बात वायला. मतलब वायला जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लगी है और वो उनसे शादी करना चाहती है, पर यहाँ ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं. तो ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, और वो उसे यही भेज रहे हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ वायला एंड हियर राइट नाउ, इट्स वेरी डिफरेंट. सो यहाँ पे एक्ट वन सीन फोर खत्म होता है. मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी एक्ट वन सीन फाइव भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कोई लाइन में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के जवाब ज़रूर देती हूँ. मेरे चैनल पे जाके विजिट करिए, मैंने बहुत सारा और भी कुछ पढ़ाया है, जैसे मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, टेम्पेस्ट है, बाकी सब भी हैं मेरे पास. अगर आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को इससे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक उनको ज़रूर शेयर कीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.